चुड़ैल का भूत या गौशाला। बादल गरज रहे थे, मौसम बेहद खराब, जिसके चलते गांव के गौशाला में बंधे गाय भैंस लाल आंखें करके आपस में चिल्लाने लगते हैं, चारे उड़ने लगते हैं। तभी उनका शोर सुनकर डरावनी चुड़ैल आती है और उन्हें सहलाते हुए कहती है, अरे तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डरो मत, मैं तुम सबके पास ही हूँ, बस आंधी आ रही है। अरे अरे क्यों शोर मचा रही है, भूख लगी है क्या? चुड़ैल के ये बोलते ही गाय अपनी गर्दन हिलाकर और आवाज निकालने लगती है। अच्छा तो तुम सबको भूख लगी है और तुम चारा नहीं खाओगे, है ना? तो देर किस बात की, चलो अब हम चलते हैं, इंसानी लोगों की मांस खिलाती हूँ आज तुम्हें, आज हम गांव के लोगों का शिकार करेंगे। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से चारों गायों की रस्सियाँ खोल देती है और भूतिया गाय के साथ उड़कर चुड़ैल गांव में पहुँच जाती है, जहाँ सभी लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, आओ मेरी प्यारी गायों, बहुत दिनों से मैंने इस गाँव में मातम नहीं देखा, जाओ उन लोगों को मारकर अपनी दावत पूरी करो। चारों भूतिया गाय उसकी बात सुनकर तेजी से सोते हुए लोगों के घरों में अपने सिंह से बार बार धक्का मारकर दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और अपने खूंखार सिंह से उन्हें मार डालती है। वहीं एक तरफ जगबीर जो कि जगा हुआ था, वो भूतिया गाय को देखकर शोर मचाने लगता है। अरे अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, यहाँ तो बहुत खतरनाक गाय है, अरे मुझे मार डालेगी, हे भगवान मेरी मदद करो। भगवान के लिए छोड़ दो, आलतू जलालतू आई बला को डाल तू, हे भगवान मुझे बचा लो। बच नहीं पाएगा तू, मारा जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ, गाय बोल रही है, ये तो मुझे कोई डरावनी भूतिया गाय लगती है। तूने बिल्कुल सही समझा। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, फालतू जलालतू आई बला को टाल तू, भगवान मुझे बचा लो। भगवान के लिए छोड़ने से अच्छा है कि मैं तुझे भगवान के पास ही पहुँचा दूँ। डर के मारे जगबीर जमीन से डंडा उठाकर उस भूतिया गाय को मारने लगता है, लेकिन भूतिया गाय टस से मस नहीं होती है, उल्टा आग बबूला होकर उसको अपने सींग से मार डालती है और अपनी पूंछ में लपेट कर घसीटते हुए जगबीर को चुड़ैल के पास ले आती है। बाकी गाय भी शिकार करके चुड़ैल के पास आ जाते हैं। ये देख कर चुड़ैल कहती है, अरे वाह मेरे शेरो, तुमने वाकई में इन लोगों को सही जगह ठिकाने लगाया है। अरे आपने तो हम सबका जेंडर ही चेंज कर दिया। अक्ल की घोड़ियों, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अरे तो आप शेरनी भी तो कह सकती थी ना, और अब आपने हमें घोड़ियाँ भी बोल दिया, दूसरे जानवर में चेंज कर दिया, लेकिन हाँ अब की बार जेंडर सही था। क्या खीखी खीखी करके हंस रही हो, इन लाशों का मैं क्या करूँगी, ये खाना तुम्हारे लिए ही है तो तुम ही खाओ, मैं अपना शिकार अलग से करूँगी। जैसी आपकी इच्छा, हम तो इन्हें खाने जा रही हैं, आपको आना है तो आ जाना, आओ आओ सारी भूतिया चुड़ैलो गायो आओ, हमने दस्तरखान बिछाया, दावत इंसान है। आहा मजा आ गया, इसका खून तो ताजा भी है। सबको खाता देख चुड़ैल की जीभ लपलपाती है। अच्छा तुम सब इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं खा लेती हूँ, वैसे भी अब कहाँ शिकार करके लाऊंगी, तुम्हारे साथ ही दावत कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आपको मना कैसे कर सकते हैं। इसी के बाद सब मिलकर उन लोगों को खा लेते हैं, अब सिर्फ उनकी बची हुई हड्डियां ही पड़ी थी। दावत करने के बाद भूतिया गाय और चुड़ैल गौशाला में पहुंच जाती हैं। अगले दिन गांव के लोग लाशों का ऐसे देखकर खौफ में आ जाते हैं। वहीं चुड़ैल और भूतिया गाय नॉर्मल गाय और इंसान बनकर लोगों के बीच रहते थे, लेकिन रात में अपने असली रूप में आकर लोगों का शिकार करते थे। एक दिन भीम उसकी गौशाला से जैसे गुजरता है, गाय उसे देखकर अपनी लाल आंखें करती है और सीधा मार डालती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुमने उसे क्यों मारा? आप भूल गई, जरा इसकी शक्ल देखकर पहचानिए ये कौन है, ये वही है जिसने हमें मारा था। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे इन लोगों से बदला भी लेना है, आज रात को ही हम लोगों को ढूंढकर मार देंगे। अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदल कर दो गायों को रस्सी बांध कर गाँव में ले जाती है, जहाँ वो उन्हें घास चराती है। तभी बबलू वहाँ से गुजरता है और चुड़ैल कहती है, मेरी प्यारी गाय, मैं सोच रही हूँ तुम इतना सारा गाढ़ा दूध का उत्पादन कर रही हो, आखिर मैं इस गांव में किसे दूं, क्योंकि अधिकतर ग्वालों के पास तुम्हारी जैसी गाय हैं, तो मैं किसको बेचूं? इससे अच्छा और मौका क्या होगा, ये गाय मेरे पास आएगी तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, पिछली बार तो मैं ले ही नहीं पाया था, खाम खाम उसे मारना पड़ा मुझे,
जी सुनिए, क्या मुझे ये गाय मिल सकती है? कितना पैसा होगा इसका? पैसे की क्या जरूरत है, आप इस गांव के हैं तो मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, तो इसका ख्याल कौन रखता। ठीक है, तो आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अच्छा, मेरे पास एक गाय तो बच गई, इसके अलावा एक और है, तो आपके कोई दोस्त है जो इन्हें लेना चाहते हैं? ऐसा करता हूँ, राकेश और राजू को एक एक गाय दे देता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर पैसा कमाएंगे। वैसे भी उन दोनों भाइयों का तो रोजगार ठप पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मेरे दो दोस्त और हैं, मैं शाम को उन्हें भेज दूंगा यहीं। आप इसी पीपल के पेड़ के पास मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मिलूंगी बदला लेने के लिए। जी, आपने कुछ कहा? यही कि मेरी गाय को ले जाइए आप। गोपी की बात सुनकर बबलू उससे गाय ले लेता है और अपने दोनों दोस्तों को गोपी के गाय के बारे में बता देता है। वो भूतिया गाय बबलू को मारकर चुड़ैल के पास वापस आ जाती है। वहीं पीपल के पेड़ के पास राजू और राकेश भी आ जाते हैं और कहते हैं, आप ही है ना बबलू, आपने हमसे गाय लेने के लिए कहा था। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। मतलब क्या तुम हमें पहले से जानती हो? राकेश की बात सुनकर चुड़ैल और भूतिया गाय अपने असली रूप में आ जाते हैं। चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से जकड़ कर कहती है, पहचाना मुझे, मैं वही शीतल हूँ जिसे तुम चारों ने मिलकर मुझे और मेरी गायों को मार डाला था। अरे आखिर क्या गलती थी, बस इतना कि पूरे गांव में मेरे पास अधिक गाढ़ा दूध देने वाली गाय थी और उस दिन मैंने तुम्हें मेरी गाय देने से मना कर दिया। सुनो शीतल, तुम्हारे पास चार गाय है, चारों ही गाढ़ा दूध देती हैं। अगर इनमें से तुम हमें दो गाय दे दो तो अच्छा रहेगा, हम भी गांव में दूध बेचकर कुछ पैसा कमा लेंगे। हाँ बोलो, कितने पैसे हमें दोगी? ज्यादा पैसे मत मांगना, इतनी तो पैसे वाली तुम हो ही। माफ करना, मैं अपनी गाय को तुम्हें नहीं दे सकती, ये यहाँ से नहीं जाना चाहती, और दो गाय तो बछिया है, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगी, क्योंकि अभी उनका पोषण माँ से होता है। अरे चार गाय में से एक दे दो। माफ करो, मैं नहीं देना चाहती, आप जा सकते हैं। तुमने बढ़िया पढ़ा है, सारा पैसा खुद ही कमाना चाहती हो, एक अकेली लड़की क्या कर लेगी। मैं तो कहता हूँ आज इसका घमंड तोड़ ही देते हैं, इसकी गायों को मार डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी गाय बहुत मासूम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हम ऐसा करेंगे। ये कहते ही चारों बेशर्मी के साथ शीतल की नजरों के सामने गौ हत्या कर देते हैं, फिर उसे भी मार कर फरार हो जाते हैं। उस दिन के बाद आज तुम हाथ लगे हो, दो को तो मार दिया और तुम दोनों बाकी हो, ऐसे कैसे छोड़ दो, मरना तो होगा ही, तुम्हारे चक्कर में हमने निर्दोष लोगों की जान ले ली। मेरी प्यारी गायों, इन दोनों दरिंदों बेरहमी से मार दो इन्हें। छोड़ दो, हमें माफ कर दो, अरे जाने दो मुझे। चुड़ैल की बात सुनकर चारों भूतिया गाय उन दोनों को बेरहमी से मार डालती हैं, साथ ही चुड़ैल भी। अपना बदला लेने के बाद चुड़ैल और उसकी भूतिया गायों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। सास बहू की सोने का गोबर देने वाली गाय। मासूमगंज गांव में रहने वाला हरिया एक किसान था जिसकी पत्नी लता एक गृहिणी थी। उनका बेटा राजेश गाँव से दूर रहकर पढ़ाई में संलग्न था। देर दोपहर हरिया बड़े ही निराश मन से घर लौटता है। क्या बात है, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। लता, अरे जितने भी जमींदार के खेत पर बटाईदार के तौर पर खेती किया करता था, उन सभी ने मेरे जिम्मे से जुताई बुआई का काम छीनकर मेरे हाथ काट डाले हैं। भरोसा रखो, जिस ईश्वर ने मुंह की रचना की है आहार भी वही देखा। मैंने कुछ पैसे जोड़ बटोर कर रखे हैं, उससे हम एक मालजाल खरीद लेते हैं। लता बजे खुचे अंतिम पैसे से एक हिस्ट पोस्ट गाय खरीद लेती है। आज से मैं तुझको गौरी कहकर पुकारूंगी। लता की गाय उसे चाटकर अपना प्यार अभिव्यक्त करती। प्रतिभोर लता उसे चराने के लिए खेत खलिहान ले जाती। उसकी गाय गौरी काफी मात्रा में दूध दिया करती थी। गौरी, जब से तेरे शुभ कदम मेरी स्कूटिया पर पड़े हैं, जीवन पटरी पर आने लगी है। लता का गौरी के प्रति लगाव और भी गहरा होता जा रहा था, मगर एक सवेरे हरिया ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। तुम मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते, अजीब बस भी करो ना, ये अटखेलियां करना। ये खबर सुन राजेश
शहर से भागा चला आता है, मगर आज उसके साथ एक नया चेहरा भी देखने को मिलता है। माँ, ये जीविका है, आपकी बहू। जीविका का शहरी पहनावा देख गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। हेलो सासुमा, नाइस टू मीट यू। अरे ये कैसी लुगाई उठा लाया है लता का लाल, जिसे ना संस्कृति से भेद है, ना कपड़ों का लिहाज और ना आँखों में लाज है। ओ मदर इंडिया, तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली, चलो निकलो यहाँ से। लता की बहू का ऐसा रुझान देख सभी अपने घरों को चल देते हैं। लता इस बात को नजरअंदाज करके उसका स्वागत करती है। भीतर आने के अगले ही पल, यू छी छी, ये गंदी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। अचानक से गौशाला में बंधी गौरी जोरों शोरों के साथ गुहार लगाते हुए पैर पटकने लगती है। बहू, ये गौरी है, हमारे घर की खास सदस्य। आप गांव देहात में रहने वाले की यही प्रॉब्लम है, जानवरों को भी घर का सदस्य बना लेते हो। गौरी के मुंह से ऐसा सुनकर खूंटे से बंधी गौरी सींग हिलाने लगती है। देखिए कैसे मारने पर उतारू हो रही है ये गाय। अरे बहू ऐसा नहीं, गौरी को नए शख्स से पहचान बनाने में वक्त लगता है, ये मरखा गाय नहीं है। समय गुजरता जा रहा था। एक सवेरे, जीविका बहू, मेरी तबीयत आज बड़ी बिगड़ी जान पड़ रही है, जरा आज भर के खातिर गौरी का गोबर चारा कर देगी क्या? क्या मैं इस गाय का गोबर उठाऊं? अपने घर में मैंने एक गिलास तक नहीं उठाया और आप चाहती हैं कि मैं ये बदबूदार गोबर उठाऊं? अरे जब आपसे इस गाय की देखरेख का जिम्मा नहीं उठाया जा रहा तो इसे बेच क्यों नहीं देती? जितना भी ये दूध नहीं देती उसे ज्यादा गोबर करके गंद मचाती है। बहू, उसका गोबर भी उपले बनाने के काम आता है। शायद शहर में रहकर तुझे एहसास नहीं कि हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है। गोवर्धन में गाय के गोबर की उतनी ही मान्यता है जितना कि एक सुहागन के खातिर सिंदूर। लता की बातें जीविका की भटक को पूरी तरह खोल देती हैं। शहर में पले बड़े होने के कारण मुझे कोई सूझ बूझ नहीं थी, मगर अब से तुम्हारे गोबर चारे का जिम्मा मेरा है। मुझे अपना दूध दोहनी दोगी ना गौरी? उस रोज से जीविका बिना नाक मुंह सिकोड़े गाय का गोबर चारा इत्यादि करने लगती है। एक रात, ये आधी रात गौरी गुहार क्यों लगा रही है? वो लालटेन लेकर जैसी गौशाला में आती है तो वो देखती है कि गौरी सोने का गोबर दे रही है। ये क्या, गौरी सोने का गोबर कर रही है, ये कैसे? वो झट से अपनी सास को गौशाला में लेकर आती है। सोने का गोबर, आखी चका चौंध रह गई ना माँ जी, मैं भी ये मंजर देखकर चौंक गई थी। क्या आज से पहले भी गौरी ने कभी सोने का गोबर किया था? नहीं बहू, गौरी हमेशा से एक साधारण गाय के जैसे ही गोबर देती थी। इसका मतलब गौरी अब एक जादुई गाय बन चुकी है जिसे सोने का गोबर देने का वरदान मिला है। अचानक गाय सींग से लेकर पूंछ तक सुनहरे रंग में बदल कर कहती है, मैं एक जादुई गाय हूँ। माँ जी देखिए, इसकी कांकल खोल गई, कैसे इंसानों की तरह बोल रही है हमारी गौरी। मैं जन्म से ही जादुई गाय थी, अब तक मैं तुम ही परख रही थी, जिसमें तुम सास बहू खरी उतरी हो। इसलिए अब से जब भी तुम मुझे हरी दूध खिलाओगी, मैं तुम्हें सोने का गोबर दूंगी। जादुई गाय प्रतिदिन घास खाने के बाद सास बहू को सोने का गोबर दिया करती थी। माँ जी, अब तक गौरी दो टोकरी सोने का गोबर कर चुकी है, क्यों ना इन्हें मानिक सुनार के हाथों बेच दे। बहू, अगर ये सोने का गोबर उसे बेचा तो वो चंट चालाक सुनार ये खबर पूरे गाँव में फैला देगा। सांझ होते ही दोनों सास बहू सोने के गोबर का सौदा दूर दराज एक सुनार से करके घर लौट आती हैं। बहू, गौरी के गोबर देने का समय हो गया है, जल्दी से इसके पूंछ के नीचे टोकरी धर दे। लता जादुई गाय को ज्यादा सोने के गोबर के लालच में अधिक हरी दूध खिलाती है, जिसके बाद गाय का पेट एकदम टंच हो जाता है। मेरा पेट भर गया, मेरे गोबर करने का समय हो गया है। जादुई गाय ढेर सारा सोने का गोबर देती है, जिसे बेचकर अब वो अनेकों कमरों वाले बड़े से घर की नींव कायम करती है। साथ ही दूध बेचने का व्यापार भी बंद कर देती है।
एक सवेरे। अरे लता भौजाई, इतने भोर सवेर गौरी को लेकर कहाँ जा रही हो? अब गाय भैंसों को लेकर हॉल्ट बाजार तो जाया नहीं जाता, जाहिर है खेत खलिहान चराने ही ले जा रही हूँ। कोठी जैसा घर बार बनाने में नोट लगा सकती हो तो थोड़े पैसे से इस गाय के खातिर चौकर भूसी खली खरीद कर घर में रख दो। क्यों अपने कदमों को यूं धूल मिट्टी में रौंद रही हो? ये सुन लता मन में कहती है, ये चतुर गांव वाले मेरे मुंह में उंगली करके गाय के सोने के गोबर देने की बात उगलवाना चाहते हैं। इन्हें भनक पड़ गई कि मेरी गाय सोने का गोबर देती है तो इन्हें भी सोने का गोबर बांटना होगा, फिर हम सास बहू का दबदबा खत्म हो जाएगा। लता अपनी गाय का खूंटा खींच कर उसे लेकर खेत में चरने को छोड़ देती है। कितनी शीतल बयार बह रही है, गौरी के चरने तक सुस्ता लेती हूँ। लता की आंख लगते ही गाय दूब चरकर सोने का गोबर देती है, जिसके बाद एकाएक वो गाय बीच खलियान से ओझल हो जाती है। कुछ देर बाद, अरे वाह, आज तो गौरी ने और भी ज्यादा सोने का गोबर किया है। इसे पहले कि किसी की नजर पड़े इन्हें बटोर लेती हूँ। वो सोने के गोबर को टोकरी में भरकर कहती है, अरे ये मेरी गाय गोबर करके गई कहाँ? लता छितर बितर करके गाय को सभी के खेत खलियान जंगल में सांझ होने तक खोजती है। अंत में निराश होकर वो सोने के गोबर की टोकरी माथे पर धर कर घर आ जाती है। माँ जी, आप अकेले ही लौटी हैं? हमारी गाय कहाँ है? लता रोते हुए बहू को खेत पर हुआ सारा वृतांत कह सुनाती है। माँ जी, हो सकता है कि गौरी किसी अन्य गाय के झुंड में मिल गई होगी या रास्ता भटक गई होगी। मैंने हर जगह हर छोर में खोजा, लगता है शायद उसने हमारे लालची मनसा को भाप लिया था और इसी कारण वो हमें छोड़ गई। हमने अधिक सोने के गोबर के चलते उसे थक मठेल धूप खिलाकर उसपे अत्याचार किया। कहते हैं ना, बुरे मनसा का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बढ़ते हुए लालची स्वभाव के कारण सोने का गोबर देने वाली गाय के चले जाने के बाद सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके सुधार में गाय से मिले अंतिम सोने के गोबर को वो पूरे गांव के बीच बांट देती है और जादुई गाय की याद में गाय खरीदकर दूध बेचने का व्यापार पुनः करने लगती है। चुड़ैल की चिड़िया। छोड़ दो मुझे, अरे जाने दो यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है, मत करो मेरे साथ ऐसा। आदमी जंजीर में जकड़े हुए चुड़ैल से अपने लिए रहम की उम्मीद करता है, लेकिन चुड़ैल उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाती और अपनी शैतानी शक्तियों से उसे चिड़िया बनाकर बोलती है। आखिर मेरे इस जू में एक और चिड़िया आ गई। ऐसे ही एक एक करके मैं सभी इंसानों को चिड़िया बनाकर अपने जू में सजा दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का भेष बदल कर रात के समय सड़क पर घूमने लगती है। तभी वहाँ से बाइक पर सवार रॉकी और दक्ष गुजर रहे होते हैं, जो उस खूबसूरत लड़की को देखकर आपस में बात करते हैं। यार दक्ष, इस सुनसान सड़क पर ये अकेली लड़की क्या कर रही है? कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं है? तुझे क्या लगता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए? पहनावे से तो सही घराने की नजर आती है, चल चलकर मदद करते हैं। जिसके बाद रॉकी लड़की के सामने जाकर बाइक रोक देता है और लड़की से बोलता है, तुम इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, वो वहाँ पर मेरी कार गड्ढे में फंस गई है। अगर आप लोग मेरी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक अकेली लड़की की मदद करना तो हमारा फर्ज है, इसमें मेहरबानी कैसी? आप हमें वहाँ ले चलिए ताकि हम आपकी कार जल्दी से गड्ढे से बाहर निकाल सके। जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल के पीछे चलने लगते हैं, इस बात से अनजान कि वो अपनी मौत के नजदीक जा रहे हैं। कुछ देर चलने पर रॉकी बोलता है, अब तो हम चलकर इतना दूर आ गए लेकिन हमें आपकी कार नजर नहीं आ रही, कहाँ है आपकी कार? रॉकी के इतना बोलते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रॉकी और दक्ष बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डर के मारे उनके माथे से पसीना टपकने लगता है। तभी डरते हुए दक्ष बोलता है, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? मैं वो हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और रही बात चाहने की, तो मैं तुम दोनों को चिड़िया बनाना चाहती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को जंजीर से बांधकर घसीटते हुए जू ले जाने लगती है। तभी वो दोनों बोलते हैं, तो
छोड़ दो हमें, अरे जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें यहाँ से। बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें, वरना ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जितना तुम दोनों को चीखना चिल्लाना है चिल्ला लो, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को जू में ले जाकर वहां पहुंच जाती है और वहां उन दोनों को अपनी शैतानी शक्तियों से चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 3 स्टूडेंट और उनके साथ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था जो किसी रिसर्च के लिए कहीं जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उनकी कार उसी जू के सामने आकर खराब हो जाती है और कार से उतरकर ध्रुव बोलता है, ओह शिट, इस कार के टायर को भी इसी वक्त पंचर होना था, अब हम वहां कैसे पहुंचेंगे। ध्रुव की बात सुनकर सभी लोग कार से बाहर आते हैं, तभी वैभव बोलता है, क्या हमारे पास दूसरा टायर नहीं है ध्रुव? नहीं यार, अब हमें यहीं रुककर किसी के आने का इंतजार करना होगा जो हमारी मदद कर सके। जिसके बाद वो सभी उसी जगह के आसपास घूमने लगते हैं। तभी तान्या को जू दिखाई देता है। जू को देखकर तान्या सभी लोगों से बोलती है, गाइस उधर देखो, वहाँ एक बहुत पुराना जू है, जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती हम वहाँ चलकर रिसर्च करते हैं, इससे हमारा वक्त भी बर्बाद नहीं होगा और क्या पता हमें वहाँ रिसर्च करते हुए कुछ अनोखा मिल जाए जो हमारी रिसर्च को ऊंचाइयों पर ले जाए। तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ चलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी जू का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर चीजों को छूने लगते हैं। तभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आर्य बोलता है, तुम लोग यहाँ के सामानों को छूना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ मुझे किसी के आत्मा के होने का आभास हो रहा है और वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ रखे एक भी सामान को इधर से उधर करो। क्या सर, आप भी ना एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होकर के आत्मा से डर रहे हैं? मैं डर नहीं रहा हूँ, तुम सभी को सावधान कर रहा हूँ। सर आत्मा होती होंगी पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, साले मेरे सामने आने से ही डरते हैं। वैभव की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अचानक से उनके सामने आकर गुस्से में बोलती है, क्या बोला तूने कि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मैं? अब देख मैं तुझे कैसे चिड़िया बनाती हूँ और फिर इन सबको भी चिड़िया बनाकर यहाँ पिंजरे में कैद कर दूंगी। फिर उसके बाद तुम सभी यहाँ एक साथ मिलकर चीची चीची करते रहना। इतना बोलते ही चुड़ैल वैभव की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेती है और अपनी शैतानी शक्तियों से चिड़िया बनाकर पिंजरे में रख देती है। वैभव के साथ ऐसा होता देखकर सभी डर जाते हैं। तभी आर्य चुड़ैल से बोलता है, आखिर क्यों तुम लोगों को पकड़कर चिड़िया बना रही हो, क्या बिगाड़ा है लोगों ने तुम्हारा, क्या चाहती हो तुम हमसे, बताओ मुझे। तुम इंसानों ने मेरा चिड़िया घर मुझसे छीना है, इसीलिए अब मैं तुम इंसानों को चिड़िया बनाकर अपना चिड़िया घर दोबारा से बसाऊंगी। किन इंसानों की बात कर रही हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम जानना चाहते हो तो सुनो। ये बात कई साल पहले की है। उस समय ये चिड़िया घर हर तरह के पक्षियों से भरा हुआ था। यहाँ की ओनर समीरा इस जू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन उनसे मिलने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विजय मल्होत्रा आते हैं। हेलो मिस समीरा, कैसी हैं आप? हेलो विजय मल्होत्रा, मैं ठीक हूँ, और आज आपका हमारे जू में कैसे आना हुआ? मैं वो आपसे एक डील करने आया हूँ, अगर आप इस जू को मुझे बेच देंगी तो इसके बदले मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवाना है। ये बात सुनते ही समीरा को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ी होकर जोर से बोलती है, आपको जितना कहना था आपने कहा और मैंने सुना, अब यहाँ से उठिए और सीधा चलते बनिए, रास्ता उधर है। ये आप सही नहीं कर रही हैं समीरा जी, आपने मेरी बेइज्जती की है, इसका मतलब मैं आपसे लेकर रहूंगा। देखिए विजय मल्होत्रा, आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन मैं ये जगह आपको नहीं बेचने वाली, अब यहाँ से आप जाएंगे या फिर मैं आपको धक्के मार कर यहाँ से निकलवाऊँ। अपनी बेइज्जती होता देख विजय मल्होत्रा वहाँ से चला जाता है और अपने ऑफिस पहुँचकर गुंडा राका को कॉल करके बोलता है, सुन राका, मैं तुझे एक काम दे रहा हूँ, अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुझे एक जू को जलाना है और याद रहे प्लान के मुताबिक पुलिस को ये एक हादसा लगना चाहिए। काम हो जाएगा, बस तुम पैसे तैयार रखना। जिसके बाद राका जू में आग लगा देता है और चारों तरफ से जू जलने लगता है।
तभी समीर अपने जू को जलता हुआ देख लेती है और उस आग को बुझाने के लिए जैसे ही वो आगे आती है उसी आग के लपटों में वो झुलस कर मर जाती है। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को चिड़िया बना रही है। अगर तुम उस विजय मल्होत्रा को गिरफ्तार करवा दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ लेकिन तुम अब परेशान मत हो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और उस विजय मल्होत्रा को गिरफ्तार करवा कर तुम्हें मुक्ति भी। जिसके बाद आर्या पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देता है और पुलिस विजय मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में सजाए मौत सुनाई जाती है। ये सब देखकर समीरा की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांध कर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किबाड़ बिन चुन कर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना धिक्कार है जो मैं भर सक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं। सीमित भंडारण होने के चलते जहाँ बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहाँ बूढ़े दंपति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोछ कर उसे गजोधर के आगे बिछा कर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं, एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला।
जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजहोदर उन्हें माथे पर लादकर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक गोभी आलू ये लो भैया, रस्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है, तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रख कर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीद कर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जॉन से हम कल सब्जी खरीद रहे, इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला। अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया, अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है, तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीद कर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिसे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींच कर बड़ा करता है, वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है, तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवा कर वहाँ सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली चुड़ैल। सीतापुर गांव में लोग चुड़ैल के खौफ से काफी डरे सहमे रहते थे। दरअसल इस गांव में एक ऐसी चुड़ैल थी जो छोटे बच्चों को उठाकर स्कूल ले जाया करती थी। पर आखिर वो ऐसा क्यों करती थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। छोटी सी प्रिया अपनी माँ के साथ कपड़े धुलवा रही थी। माँ देखो, मैं सही से साबुन तो लगा रही हूँ ना, ये कपड़ा धुल गया ना, देखो। अरे प्रिया बेटा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम बहुत छोटी हो मेरे साथ कपड़े धुलवाने के लिए, मत धुलवाओ, मैं धो लूंगी अपने आप, तुम बीमार पड़ गई तो। अरे माँ, धोने दो ना,
मुझे अच्छा लगता है आपके साथ। अच्छा ठीक है, धो ले। दोनों माँ बेटी बड़े प्यार से कपड़े धो रही थी कि अचानक से मौसम का रुख बदल जाता है। तेज आंधी बवंडर के साथ एक डरावनी चुड़ैल आती है जो कांता को हवा में उठाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी बच्ची से काम करवाने की? उसको पढ़ाना तो दूर, तुम उससे कपड़े धुलवा रही हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने तो चुड़ैल। देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बेटी मेरे साथ खुद धुलवा रही थी। तुम गांव वाले लोग अपनी बेटी को ना तो खुद पढ़ाते हैं ना उसे कुछ अच्छा करवाते हैं। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। ये बोलकर चुड़ैल उस औरत को हवा में काफी बार पटकती है जिससे उसके सिर पर थोड़ी चोट लग जाती है। तभी प्रिया रोते हुए कहती है, चुड़ैल आंटी आप मेरी माँ को ऐसे मत मारो, मैं खुद उनके साथ कपड़े धो रही थी, मुझको अच्छा लगता है, मेरी माँ को छोड़ दो आप। अच्छा तो तुम्हें ही पढ़ने का मन नहीं करता, इसीलिए घर के काम करवाती हो ना? आओ अब मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगी, जो भी बच्चा नहीं पढ़ेगा उसे मैं स्कूल छोड़ कर आऊंगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल प्रिया का हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती स्कूल ले जाती है। अरे अरे तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो, इस समय कौन सा स्कूल है? मेरे राज में स्कूल 24 घंटे खुला रहता है, मैं बच्चों को कभी भी स्कूल ले जाऊंगी। माँ माँ मुझे स्कूल नहीं जाना। कैसे नहीं जाना, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने जाऊंगी। ये बोलते ही चुड़ैल प्रिया को लेकर स्कूल छोड़ने चली जाती है और कहती है, याद रखना तुम ऐसे स्कूल से नहीं भाग सकती, अगर पढ़ाई नहीं की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें स्कूल में रखूंगी। ठीक है आंटी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। तुम यहाँ अच्छे से पढ़ो, मैं और बच्चों को लेकर आती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल गांव में बच्चों को तलाशने लगती है। तभी एक किशु नाम के लड़के के घर पहुंचती है जो अपने घर के बाहर गिल्ली डंडा खेल रहा था। चुड़ैल उसके पास जाती है, किशु उसकी डरावनी शक्ल देखकर डर जाता है। चुड़ैल आंटी भागो। अरे ऐसे भाग कर छुपने कहां जा रहा है, रुक। चुड़ैल आंटी मुझे छोड़ दो, मेरे को जाने दो, मुझे जाना है। कहां जाना है? हाँ स्कूल तो जाता नहीं है तू, दिन भर बस गिल्ली डंडा खिलवा लो। बता कितनी देर से गिल्ली डंडा खेल रहा है? मैं दोपहर से गिल्ली डंडा खेल रहा था। तुम्हें पता भी है पढ़ना कितना जरूरी होता है, लेकिन नहीं तुम्हें तो बस खेलना होता है, आज के बाद तू गिल्ली डंडा कभी नहीं खेलेगा, चल स्कूल मेरे साथ। मम्मी मम्मी बचाओ, चुड़ैल आंटी मुझे स्कूल ले जा रही है। कौशल्या अपने बेटे की रोती आवाज सुनकर घर से बाहर आती है और चुड़ैल को देखकर डर जाती है और कहती है, अरे मेरे जिगर के टुकड़े क्या हुआ, ये क्या तुझे चुड़ैल ने पकड़ा? अरे मेरे बेटे को कहाँ ले जा रही हो, छोड़ो उसे। लगता है तुमने ही अपने बेटे को ज्यादा बिगाड़ रखा है, कुछ कहती नहीं हो ना? अब मैं इसको पकड़कर स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, पढ़ता लिखता तो है नहीं है ये। क्या स्कूल? चुड़ैल जी आप इसको स्कूल ले जा रही हो? ठीक है ले जाओ ले जाओ, ये नालायक हो गया है, बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार स्कूल भेजा लेकिन वापस आ गया, अच्छा है अब आपके खौफ से तो पढ़ेगा ही। हाँ अब से ये रोज स्कूल जाएगा और मैं इसे छोड़ने जाऊंगी। मम्मी मम्मी आप क्या बोल रही हो, चुड़ैल आंटी मुझे ले जा रही हैं। चुप रहे नास पीटे बुड़बा कहीं के, चुड़ैल जी आप यही रहिए, मैं इसका बैग लेकर आती हूँ। ये कहकर कौशल्या किशु का बैग लेकर चुड़ैल को दे देती है और चुड़ैल उसे हवा में लेकर स्कूल छोड़ने चली जाती है। इसी तरह चुड़ैल गांव में काफी बच्चों को उठाकर उन्हें स्कूल में छोड़ देती है। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आधी रात में टीचर को भी नींद से उठाकर स्कूल में ले जाती है और कहती है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी स्कूल से भागा तो उसे धूप में पेड़ से उल्टा लटका दिया जाएगा। यहाँ पर खेलना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुड़ैल आंटी हम समझ गए। और हाँ तुम्हें बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ाना है,
अगर इन बच्चों ने कुछ नहीं सीखा तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें सिखा दूंगी, समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। वक्त बीतता है, चुड़ैल के खौफ से सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। साथ ही चुड़ैल बीच बीच में बच्चों के पास आकर उनका टेस्ट लेती थी। जिस बच्चे के कम मार्क्स आते थे उन्हें वो खुद सजा देती थी, लेकिन अच्छे मार्क्स आने पर तोहफा भी देती थी। स्कूल में प्रिंसिपल बैठा रहता था और फीस न लाने पर बच्चों को मारता था। इसी वजह से चुड़ैल उस प्रिंसिपल को जमीन पर पटक पटक कर सबक सिखाती है और कहती है, अगर आइंदा से तूने कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनसे फीस मांगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा बुड्ढे? उसके लिए तुझे पंचायत पैसा देती है, समझा? अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अरे मुझे छोड़ दो। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, फिर गांव से बच्चों को उठाकर स्कूल छोड़ने जाती है। तभी एक दिन वो टीचर चुड़ैल से कहती है, देखो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम बच्चों को इस तरह स्कूल में उठाकर क्यों लाती हो, वजह क्या है? ये सब करने की मेरी बहुत बड़ी वजह है। कुछ सालों पहले की बात है, गांव के सरपंच ने धोखाधड़ी से मेरा घर अपने नाम करा लिया था। उस वक्त मुझे समझ आया कि अगर मैंने पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद मेरे पति ने जैसे तैसे पैसे कमाकर घर चलाया। फिर मेरा बेटा शिवम जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने उसका दाखिला गांव के स्कूल में कराने का सोचा, लेकिन पंचायत लोगों ने हमें भी स्कूल से धक्के मार कर निकाल दिया। मैंने तब भी हार नहीं मानी। शिवम बेटा, तुझे कोई भी कुछ भी कहे तो स्कूल जाकर पढ़। ठीक है माँ, मैं पढ़ूंगा। तुझे पता है ना, पढ़ने से हमारी बुद्धि कितनी बढ़ती है और ना कोई हमसे धोखाधड़ी कर पाता है। तेरे पापा वाली बात तो तुझे बताई थी ना मैंने, इसीलिए तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ माँ, बाय बाय। ये बोलकर शिवम पढ़ने चला जाता है, लेकिन छुपकर पढ़ने से सरपंच और प्रिंसिपल लोग उसे बहुत मारते हैं। धक्का देने पर शिवम एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मोहिनी बावली हो जाती है। मोहिनी सरपंच और प्रिंसिपल को गांव वालों के सामने बहुत कुछ कहती है, इसी वजह से वो दोनों उसे मार डालते हैं। मैंने और मेरे बच्चे ने पढ़ने के लिए अपनी जान दे दी सिर्फ इसीलिए कि ये बड़े लोग हमसे धोखाधड़ी करते हैं। पढ़ाई हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है ये तो आपने जान ही लिया होगा, इसीलिए मैं बच्चों को पढ़ने के लिए इतना फोर्स करती हूँ। मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाई, लेकिन इन बच्चों को पढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब समझ आया बच्चों को क्यों स्कूल छोड़ने आती थी आप। चुड़ैल आंटी, अब आप चिंता मत कीजिए, हम सब खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। बिल्कुल फागुनी जी, मैं ये जिम्मेदारी आप पर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। इसी के साथ स्कूल छोड़ने वाली चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है।